चलो अब इसके बाद अगली चीज जो है बेटा इसमें कौन सी, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री इन एलिमिनेशन, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री इन एलिमिनेशन, है ना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री इन एलिमिनेशन इसमें कौन सी वाली चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे कि जो ई टू रिएक्शंस होती है ना, इनमें ही स्टीरियो केमिस्ट्री सिग्निफिकेंट होती है। ई वन रिएक्शंस में स्टीरियो केमिस्ट्री सिग्निफिकेंट नहीं होती, ठीक है। अब इसके डिटेल्स में नहीं जा रहे क्योंकि नीट के एग्जाम में ना क्या हो जाएगा, ये डिटेल वाली चीजें नहीं आती, ठीक है। बट क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना, कि ई टू रिएक्शंस जो होती है ना, इनमें स्टीरियो केमिस्ट्री सिग्निफिकेंट है, अपन ने बोल लिया। ई वन में सिग्निफिकेंट नहीं, ठीक है। ई टू रिएक्शन में जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है बेटा, एंटी, है ना। मतलब जो हटने वाले ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड से हटते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी एलिमिनेशन, है ना। ई टू रिएक्शन में क्या होगा, जो हटने वाले ग्रुप्स होते हैं वो कहाँ से हटते हैं, तो हम बोलेंगे वो ऑपोजिट साइड से हटते हैं, है ना। जैसे कौन सी चीज है, डिहाइड्रोहैलोजनेशन में कौन हट रहा है, एच एंड एक्स, तो ये कहाँ से हटेंगे, ऑपोजिट साइड से। डिहाइड्रेशन में कौन हटता है, एच और ओ एच, तो ये भी कहाँ से हटेंगे, ऑपोजिट साइड से हटते हैं, है ना। और जैसे अपन ने डिहाइलोजनेशन पढ़ा था ना, जिंक इन मीथेनॉल या सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन के साथ, ठीक है। तो इसमें जो दो हाइलोजन हटते हैं ये भी कहाँ से हटेंगे, दैट इज ऑपोजिट साइड से हटते हैं, ठीक है। तो क्या बोले हमने, ई टू रिएक्शंस जो होती हैं इनमें एलिमिनेशन कैसा होता है, दैट इज एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। एंटी एलिमिनेशन में क्या बोल रहे हैं बेटा अपन, तो हम बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन में हमने क्या बोला है कि जो हटने वाले ग्रुप्स हैं वो कहाँ से हटेंगे, तो हम बोलेंगे हटने वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑपोजिट साइड से हटते हैं, ठीक है। एच और एक्स हैं जैसे, तो कहाँ से हटेंगे, ऑपोजिट साइड से। एच और ओ एच है तो वो कहाँ से हटेंगे, ऑपोजिट साइड से, है। और एक्स और एक्स हैं तो वो भी कहाँ से हटते हैं, तो हम बोलेंगे वो ऑपोजिट साइड से हटते हैं। आया क्या बेटा समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ना, ये कौन सी वाली रहेगी, इसका एग्जाम्पल हम देखें, है ना। तो हम बोलेंगे कि जैसे ये अल्कल हैलाइड लिया बेटा अपन ने, इसमें एच और बी आर ने किस पर है, वेज और डैश पर, इधर मिथाइल वेज पर है, हाइड्रोजन डैश पर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन वेज और एक डैश पर है। अब इसका हमने क्या करवाया, आर ओ निगेटिव एन ए पॉजिटिव इन आर ओ एच, इसके साथ हीटिंग किया, ये क्या, दैट इज ई टू इलिमिनेशन है ना। अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि ओरिएंटेशन, क्या सीखा था अपन ने कि जैसे ये बीटा कार्बन इस पर एक हाइड्रोजन और ये बीटा कार्बन इस पर दो हाइड्रोजन, है ना। तो जिस बीटा कार्बन पर कम हाइड्रोजन हो वहां से हाइड्रोजन का हटना ज्यादा फेवरेबल होता है ना। अभी सीखा था अपन ने ओरिएंटेशन में, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ओरिएंटेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, सेट जिस एलिमिनेशन, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन का हटना ज्यादा फेवरेबल है और इस हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना। लेकिन ई टू रिएक्शन की स्टीरो केमिस्ट्री ये क्या सिखा रही है हमको, तो हम बोलेंगे इट इज ई टू रिएक्शन की स्टीरो केमिस्ट्री ये हमको सिखाती है कि कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे कि ई टू रिएक्शन में, है ना, क्या होता है, एलिमिनेशन एंटी होता है ना। यदि आप इस बी आर और एच को देखोगे तो ये दोनों कहाँ हैं, देयर ऑन द सेम साइड, है ना। अब यदि ये सेम साइड है तो क्या नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे सेम साइड है तो फिर ये हट ही नहीं सकते, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सेट जिप एलिमिनेशन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो होने के लिए एच और बी आर सेम साइड से ऑपोजिट साइड नहीं। क्लियर बेटा बात ये, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इस बीटा कार्बन पर दो हाइड्रोजन थे, एक बी आर के साथ सेम साइड पर था और दूसरा क्या था, इट वॉज ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एलिमिनेशन अब कहाँ से, इस बीटा कार्बन पर से हो जाएगा जहाँ दो हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन बी आर के साथ सेम साइड था और दूसरा हाइड्रोजन बी आर के साथ ऑपोजिट साइड था। आया क्या बेटा समझ में, ठीक है। तो कौन सी चीज हो गई, तो हम बोलेंगे रिएक्शन में फर्स्ट वाला प्रोडक्ट हॉफमैन एलिमिनेशन वाला बनेगा, क्योंकि ये स्टीरोकेमिस्ट्री सपोर्टेड है। आया ना बेटा समझ में अच्छे से ये, ठीक है। यदि क्या होता है, ये एच किस पर होता, वेज पर, तो फिर क्या होता कि स्टीरोकेमिस्ट्री और ओरिएंटेशन दोनों इसी प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे थे, तो यही बनता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना, कि ओरिएंटेशन यदि कुछ और बोले और स्टीरोकेमिस्ट्री कुछ और बोले, ठीक है, तो हमको किसके साथ जाना है, स्टीरोकेमिस्ट्री जो बोल रही है उसके साथ जाना है, क्योंकि ई टू एलिमिनेशन तो तब तक होता ही नहीं जब तक एच और एक्स ऑपोजिट साइड ना हो।
आए ना बेटा समझ में, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली चीज कौन सी, जैसे ये हेलोसाइक्लोहेक्सेन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो हेलोसाइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे हेलोसाइक्लोहेक्सेन में इनटू एलिमिनेशन तब तक नहीं होता जब तक कि एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों कहां पर ना प्रेजेंट हो, एक्सियल पोजीशन पर, है ना, क्योंकि जब ये एक्सियल पोजीशन पर होते हैं तब ही ये क्या रहेंगे, दे आर एंटी, है ना, तब ही क्या हो सकता है, इट इज ई टू एलिमिनेशन हो सकता है, है ना। तो हेलोसाइक्लोहेक्सेन में ई टू एलिमिनेशन सिर्फ तब ही होगा जब हाइड्रोजन और हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर कहां होते हैं, ऑपोजिट साइड होते हैं। आया बेटा समझ में? ठीक है, इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन बोलेंगे कौन सी, जैसे ये अल्कोहल है, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में ये रिएजेंट लिया अपने PuCl3 pyridine, ठीक है, ये अपने जनरल रिएजेंट्स में नहीं लिखा था, नहीं क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो PuCl3 pyridine इसके साथ जो एलिमिनेशन होता है वो क्या रहेगा, दैट इज E2 एलिमिनेशन होगा। PuCl3 pyridine इसमें कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे PuCl3 pyridine में क्या होता है, इट इज E2 एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो कौन सी चीज है यहाँ पर, जैसे ये इस बीटा कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पर दो, तो यहाँ से हाइड्रोजन का हटना इज सेड्जिस, यहाँ से हाइड्रोजन का हटना इज व्हाट, हॉफमैन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सेड्जिस के लिए एच और ओ एच क्या थे, देवर ऑन द सेम साइड, है ना, यहाँ पर एच और ओ एच क्या थे, सेम साइड थे। ठीक है, तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे कि सेड्जिस प्रोडक्ट नहीं बन सकता, यहाँ भी क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे ये वाला OH और ये वाला H हटेगा क्योंकि ऑपोजिट साइड है, तो यहाँ भी क्या बनता है, दैट इज हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनता है। आगे बेटा समझ में? नहीं, यहाँ भी क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो गया आज से ये, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम देखेंगे कौन सी, दैट इज E1 वर्सेस E2, है ना। तो हम बोलते हैं कि जैसे जैसे क्या होती जाती है, बेस की बेसिसिटी बढ़ती जाती है, रिएक्शन के E2 होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन में क्या बोला हमने, पनोलाइटिस बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, रिएक्शन ज्यादा ज्यादा E2 की तरफ डाइवर्ट होती जाती है, है ना। जो बेसिस OH नेगेटिव से स्ट्रांग होते हैं, है ना, वो क्या करवाएंगे, हमेशा E2 एलिमिनेशन करवाते हैं। ठीक है, अगला बेटा क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे ये एलिमिनेशन करवाते समय सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया, पोलर एप्रोटिक। ठीक है, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ भी क्या होता है, हमेशा E2 एलिमिनेशन होता है, है ना। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ क्या रहेगा हमेशा, तो हम बोलेंगे इट इज E2 एलिमिनेशन होगा। ठीक है, इसके बाद फिर बेटा हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इसके आगे से क्वेश्चन करने का तरीका है ना, तो हम बोलेंगे कि क्या होता है, जब कभी भी रिएक्टेंट जो होता है ना, वो हमको किस में दिया है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में, है ना, या फिशर प्रोजेक्शन में, या फिर सोहॉर्स या न्यूमन प्रोजेक्शन में, है ना। तो जब कभी भी रिएक्टेंट हमको किसी स्टीरियोकेमिकल वे में अरेंज करके दिया हुआ है और रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन, तो ये क्वेश्चन हमेशा हमको E2 मानकर करना है ना। क्वेश्चन करने का तरीका, ऐसा कोई थ्योरी में पॉइंट नहीं लिखा होता। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो है ना, ये भी क्या है, टेक्निकली तो इनकरेक्ट है ना, कि अल्कोहल के OH के साथ क्या होगा, आपको क्वेश्चन E2 मानकर करना है। हालांकि क्या होगा, ये बात हमेशा हमेशा के लिए सही नहीं होती, बट बुक्स में जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली इससे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कि अल्कोहल के OH में E2 मानकर कर लो आप क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बट टेक्निकली दिस इज अगेन इनकरेक्ट। समझ आ गई बेटा बात ये? ठीक है, अभी हमने एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड जनरल चीजें देखें, है ना। अब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी हम देखें, है ना, तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एक रिएजेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और एक और रिएजेंट कौन सा था, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, है ना, इनका जो वे ऑफ एक्शन होता है वो एक जैसा होता है ना। मैं H2SO4 के साथ लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, H3PO4 के साथ भी रिएक्शन इसी टाइप से आगे बढ़ती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में कौन सी चीज होगी बेटा, तो हम बोलेंगे H2SO4 क्या करेगा, इधर OH को प्रोटोनेट करता है ना, H2SO4 OH को प्रोटोनेट करेगा,
प्रोटोनेशन से, ये क्या हो जाएगा H2O। अब कौन सी चीज है, H2SO4 का जो कॉन्जुगेट बेस है HSO4 नेगेटिव, क्या हो यहाँ से वाटर और इधर से H, है ना, इसको कौन खींचे HSO4, है ना, यदि साथ साथ में हो जाएगा तो हम बोलेंगे मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, दैट इज E2। आई बेटा बात समझ में, है ना। और यदि क्या हो जाए, क्या बोले हमने, यहाँ से प्रोटोनेशन के बाद वाटर का लॉ और इधर HSO4 नेगेटिव से H पॉजिटिव का खींचना बीटा कार्बन से, इफ दिस हैपेंस साइमल्टेनियसली, है ना, देन रिएक्शन क्या हो जाएगी, इट इज E2, है ना, तब रिएक्शन E2 हो जाती है, है ना। वहीं यदि कौन सी चीज हो जाएगी तो हम बोलेंगे यदि, है ना, क्या हो गया, हम बोलेंगे कि लॉस ऑफ वाटर हुआ, क्या बना उसे, इट इज कार्बोकैटायन, और फिर कार्बोकैटायन में से HSO4 नेगेटिव किसको खींचे, यदि H पॉजिटिव को, है ना, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ रिएक्शन में अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आए ना बेटा समझ में, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, वाया कार्बोकैटायन इट इज E1 एंड विदाउट कार्बोकैटायन इट वॉज व्हाट दैट E2। आए बेटा सबको समझ में अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, क्या बोले हमने, H3PO4 के लिए भी वे ऑफ एक्शन यही होता है, है ना। अब इसके बाद अगली चीज जो हम बोलते हैं, है ना, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे जो वो होते हैं Al2O3 TH2O2 एंड Ln2O3, इनके साथ आपको मैकेनिज्म क्या करना है, तो हम बोलेंगे इनके साथ मैकेनिज्म आपको E2 मानना है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इनके साथ आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना, ठीक है। दूसरी चीज ये लिख चुके अपन यहाँ पे TH2O2 Ln2O3, इनके साथ क्या होता है, हॉफमैन्स प्रोडक्ट डोमिनेंट होता है ना, Al2O3 के साथ, लेकिन क्या रहेगा, सेट्जिफ प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा, ठीक है ना। Al2O3 के साथ सेट्जिफ प्रोडक्ट डोमिनेंट विदाउट रीअरेंजमेंट, और TH2O2 Ln2O3 इनके साथ क्या रहेगा, हम बोलेंगे इनके साथ, है ना, डोमिनेंट होता है क्या, इट इज दैट हॉफमैन प्रोडक्ट। आए बेटा समझ में, है ना, और इनके साथ क्या नहीं करना है, तो हम बोलेंगे इनके साथ रीअरेंजमेंट हमको नहीं करना है। क्लियर बेटा सब कुछ, ये ठीक है। तो ये हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म के बारे में जनरल चीजें सारी देख ली, ठीक है, है ना। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में ना क्या देखेंगे, इट इज हॉफमैन्स एलिमिनेशन एंड पाइरोलाइटिक एलिमिनेशंस।